पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतें केंद्रीय कारागार के बंदियों के हाथों के हुनर से सज रही हैं। आपको बता दें कि आगरा की केंद्रीय जेल में सजा काट रहे बंदियों के बनाए कुर्सी, मेज, अलमारी और बुक सेल की मांग अदालतों में बढ़ गई है। ये वजह है कि 2 साल में 2 करोड़ का फर्नीचर कई जिलों की कोर्ट में भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कारागार में 10 साल से फर्नीचर उद्योग संचालित हो रहा है। इसमें 40 से 50 कैदी काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया था। जेल में बंदियों का बनाया हुआ फर्नीचर काफ़ी टिकाऊ होने के साथ ही फिनिशिंग में भी काफ़ी अच्छा होता है। यह बाजार में भी फर्नीचर को काफ़ी टक्कर दे रहा है। ऐसा है कि केंद्रीय कारागार की स्थापना ही इस उद्देश्य की गई थी कि बंदी जो लंबे सजा के लिए यहाँ पर स्थानांतरित होंगे और बहुत लंबे समय तक 14 साल 15 साल 18 साल जेल में रहेंगे, तो ऐसे समय में रह करके अपना सजा भी भोगेंगे और कुछ ऐसा काम भी करें जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके हाथों में कुछ ऐसा हुनर आ जाए जिससे जब तक ये जेल के अंदर हैं वो जेल की व्यवस्था के अंतर्गत काम करेंगे, जब यहाँ से छूट करके जाएंगे तो जेल के अपने लिए स्वयं स्वरोजगार में मतलब समायोजित हो सकते हैं।